मालिक का पार्सल आया, खोल के देखते हैं क्या इसमें। अरे ये तो कट गया, अरे जल्दी से भाग जाता हूँ नहीं तो मालिक बहुत मारेंगे मुझे। अरे ये क्या कर दिया चिंटू ने। टॉमी ये चिंटू ने नहीं तूने किया है, तेरी सजा यही है। हम और चिंटू जा रहे घूमने और तू घर का सारा काम करेगा। चल चिंटू हम घूम के आते हैं। मेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी मालिक मुझे डांटते रहते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, चल के घर का काम कर लेता हूँ। चिंटू तुझे पता है मैं तुझे बाहर क्यों घुमाने लाता हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू टॉमी जैसा बने। मैं चाहता हूँ कि तू अच्छा संस्कारी बने जो लोगों को हेल्प करे, ना कि टॉमी जैसा बातों बातों में झूठ बोले। मालिक टॉमी झूठ नहीं बोल रहा था, वो तब मेरे से ही आपकी पैंट कट गई थी, मैं डर के वजह से आपसे नहीं बताया। कोई बात नहीं चिंटू, छोटी मोटी तो गलती होती रहती है। चलो टॉमी से मिलते हैं। चलो घर का काम हो गया, ये केक भी तैयार हो गया। टॉमी? हाँ मालिक। टॉमी अभी तक गुस्सा है मुझ पे? नहीं मालिक, ये लोग केक खाओ। चिंटू तू भी खा। भैया माफ करना, डर के मारे मैं मालिक से नहीं बताया और डांट आपको सुनना पड़ गया। अरे पगले तू ये सब छोड़, पहले केक खा। और मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हम सब मिल के रहें।